स्वागत करते हैं आपको हमारे चैनल में। और आज हम आपको बना के दिखा रहे हैं देसी स्टाइल में मालपुए। देसी घी के मालपुए बनाने के लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए, आटा चाहिएगा। और आटे के साथ गुड़ जो होता है, गुड़ को बारीक करके उसको पानी में, जिस तरीके से चाशनी बनाई जाती है चीनी की, उस तरीके से चाशनी बनाई हमने गुड़ के पानी की, इसको हम आटे में मिक्स करेंगे जी। तो आप अपने हिसाब से जितना आपको मालपुए बनाने हैं उसके हिसाब से आटा लीजिएगा, उसी हिसाब से आपको आटा जो है वो अब गूंथ लेना है। आप देखिए किस तरीके से आटा गूंथना है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टाइट भी नहीं होना चाहिए। इस आटे को गूंथते हैं और ये थोड़ा सा नर्म जो है आटा होता है। अमूमन जब आटा गूंथा जाता है रोटी बनाने के लिए तो बिल्कुल नाप तोल कर होता है, ज़्यादा ढीला भी नहीं होता, ज़्यादा टाइट भी नहीं होता। लेकिन ये जो है इसको थोड़ा सा हम लिक्विड की तरह रखते हैं ताकि इसको आसानी से कढ़ाई में फैलाया जा सके। तो आज हम इस देसी अंदाज में खेतों के बीच बैठकर आप लोगों को बना के दिखाएंगे मालपुआ, देसी घी का कैसे बनता है और बेहद ही टेस्टी। इस आटे को अच्छी तरीके से आपको मथना है ताकि इसमें कोई गांठ ना रह जाए। और ये भी ध्यान रखिएगा, गुड़ जो है, गुड़ का पानी जो है, जो गुड़ की चाशनी जो बनाई है, वो भी बिल्कुल उसमें भी कोई गुड़ की गांठ ना हो, ये पानी की तरह होना चाहिए। हमने अच्छी तरीके से इस आटे को अब गूंथ कर मथ लिया है। इसको मथने के बाद अब ये तैयार हो गया है। मालपुए बनाने के लिए एक कढ़ाई की जरूरत, कढ़ाई को हमने इस चूल्हे पर रखना है और कढ़ाई को थोड़ा सा गर्म होने देते हैं। कढ़ाई अब पूरी गर्म हो चुकी है, अब इस कढ़ाई में हम घी डालेंगे। ये घी के, देसी घी के मालपुए हम आपको बनाकर दिखा रहे हैं, तो अब घी डालेंगे। कढ़ाई पूरी गर्म होने के बाद आपको घी डालना है। करीब करीब इसमें आधा किलो घी जो है हमने डाल लिया है। अब इस घी को, जो कि करीब करीब आधा किलो है, इसको गर्म होने देना है। घी गर्म है, अब इसमें हम मालपुए के लिए जो हमने आटा तैयार किया है उसको गोल गोल धीरे धीरे छोड़ देंगे और इसको कड़छी से हल्का सा दबाते रहेंगे। गुड़, आटे और घी, सिर्फ तीन चीज़ों से मिलकर बना है ये मालपुआ, बनकर तैयार है देसी घी का मालपुआ।